एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे बिहार के सुल्तानगंज में, और यहाँ पर खुल गया है एक नया वाटर पार्क जिसका नाम है ड्रीम ऑफ तेज वाटर पार्क। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे और आप भीड़ का अंदाजा लगा के देख सकते हैं क्या क्रेज है लोगों में इस तेज वाटर पार्क का। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग भी टिकट ले चुके हैं, आज टोटल 7 टिकट लिए हुए हैं। यहाँ पर टिकट की बात करें तो पर पर्सन आपको 500 रुपीज लगने वाला है। उसी के साथ ही साथ कॉस्ट्यूम और यहाँ पर लॉकर का 100 रुपीज है कॉस्ट्यूम का, उसके साथ ही साथ है 50 रुपीज लॉकर का। तो ये प्राइजेस होने वाले हैं ड्रीम ऑफ तेज वाटर का, जो कि हमारे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है। आप टोटो से आएंगे तो 10 रुपये का एंट्री टिकट आपको लगेगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इस ड्रीम ऑफ तेज वाटर पार्क के अंदर और आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली है। आपको ए टू जेड कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आज ड्रीम ऑफ तेज वाटर के बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और बताते हैं इसके बारे में। तो गाइस फाइनली एंट्री ले चुके हैं, देख सकते हैं हम लोगों को ये मिल चुका है बैंड ड्रीम ऑफ तेज वाटर का। अब लेना है हमें अपना कॉस्ट्यूम, अब हमें कलेक्ट करना है अपना कॉस्ट्यूम और लॉकर, उसके बाद फिर हम लोग वाटर पार्क में एंट्री लेंगे। दोस्तों हम लोग कॉस्ट्यूम ले चुके हैं और कॉस्ट्यूम लेने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ। मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब है कॉस्ट्यूम के मामले में, और मतलब लाइन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, सब अपना बोल रहा है पहले हम, तो उसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग कॉस्ट्यूम में आ चुके हैं और हम लोगों ने ये भी खरीद लिया, ये भी आपको मिल जाता है अपने मोबाइल को सेफ्टी रखने के लिए। 100 रुपीज इसका कॉस्ट पड़ता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरीके से है, किस क्या शोर, क्या मस्ती, क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और पूरे यहाँ पर बड़े तरीके से यहाँ पर तेज वाटर पार्क को बनाया गया है। तो आइए चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं, एक एक राइड का मजा दिखाते हैं और रिव्यू भी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं इस वाले राइड में, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से रास्ता है चढ़ने का, तो चलिए चढ़ते हैं इस पे और देखते हैं क्या मजा आता है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर चढ़ने का, आप देख सकते हैं ये अपर व्यू है तेज वाटर पार्क का। तो यहाँ से अभी हम लोग चढ़ेंगे और देखते हैं कि इस राइड में क्या बन आता है, आपको रिव्यू करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ से वाटर का फ्लो है, इस पर बैठ के स्लाइड करके पूरा 360 हम लोग नीचे पुल में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सुहानी भी जा चुकी है आगे। ओ सुहानी आ चुकी है। हम लोगों को तो खूब मजा आया इस राइड में, सब पर डूब गया था। रामानंद दोबारा जाने के फिलहाल में है, तो देखते हैं रामानंद कैसा लगा, मजा आया, दोबारा जाना चाह रहा है। ये आने से पहले डर रहा था, तो हम लोगों का तो चश्मा खो गया गाइस, तो हम लोग अपना चश्मा खोजने वाले हैं गाइस। यहाँ पर इस राइड में आपका चश्मा खो सकता है, पहले अलर्ट रहेगा आप सभी लोगों को कि अगर आप इस राइड में आते हैं तो आपका चश्मा जरूर खो सकता है। जाएगा हमको पूरा अंदर घुस गया यार। तो गाइस पिछले राइड में तो हमारे पापा का, हमारी मम्मी का और हमारी बहन का सबका चश्मा खो गया, रामानंद का भी चश्मा खो गया गाइस। और आज 100-100 रुपए में इसमें चश्मे लिए थे, चश्मा खो गया गाइस, क्या दुख की बात है। लेकिन मैंने तो यहाँ से खरीदा ही नहीं था चश्मा, मैंने बाहर से अपना चश्मा लाया और मेरा खोया नहीं, लेकिन मैं इस बार अपना चश्मा का ध्यान रखते हुए राइड में जाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या लुक आता है गाइस। अभी हम लोग इस वाले में भी जाएंगे और उस वाले में भी जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं रामानंद इस बार जाने वाले हैं दूसरे राइड में, और पता है गाइस यहाँ से साथ में भाई में। चलिए तो अभी इस वाले राइड को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं इस राइड में जो कि थोड़ा बच्चा वाला राइड है। तो दोस्तों ये है गुफा वाला, तो हम लोग अब इसमें जाने का सोच रहे हैं। चलिए रामानंद तैयार है, चले जाएंगे, तुम आगे चलो ना। तो रामानंद अभी आगे जाने वाला है, रुक जाना रामानंद। तो देखिए वाटर का फ्लो बहुत है, चलो चोट लग जाएगा दोनों को, चोट लग जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सच बता रहे दोनों। तो दोस्तों हम आ गए तो गाइस नाक और कान में खूब पानी घुसता है गाइस, आप लोग भी बच के रहिएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आता है लिटरली। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं इधर वेव भी है, और बात करें अगर हम इधर, तो इधर आपको एक ऑक्टोपस वाला मिल जाता है, उसी के साथ साथ इधर ये वाला जो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने 2-3 राइड किया,
अभी हम लोग सोच रहे हैं वेव में जाने का, लेकिन रामानंद थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो वेव में जाएगी किस में जाए, लेकिन हम लोग अभी सारे राइड्स में जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं इस वाले राइड में। लेकिन इसका डिजाइन और इंटीरियर की बात करें तो गाइस क्या लाजवाब इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं रामानंद यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर कितने लोग आता होगा, तुम देख के क्या लग रहा है? 500। अगर 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 1,00,000 हो रहा है। 1,00,000 रुपये पर डे का इनकम होगा भाई, लिटरली सोच सकते हो ऐसा ही पैसा होगा। हम लोग भी वाटर पार्क खोलते हैं फिर पैसे ही पैसा होगा। हम लोग इस पे जाएंगे, लेकिन ये रेन डांस बहुत ही खूबसूरत लगता है और व्यू जो वाटर पार्क का वो और ही कमाल का है। जिधर ऑक्टोपस और अलग अलग प्रकार की व्यू मिलते हैं। भैया कैसा लग रहा है वाटर पार्क में? बहुत मस्त लग रहा है। पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है। तो आप कितनी बार आए अब तक? अभी 4 बार आए हैं। चौथी बार आए? हाँ। मतलब कहाँ से आते हैं आप? तारापुर से। ओ भाई साहब इतने दूर से? खूब मजा आता है, एकदम दोस्त परिवार सबको लेके आते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे किस तरीके से बताया जा रहा है और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली बहुत ही अच्छा है इस वाटर पार्क, आप लोगों को भी आना चाहिए। चलिए अब आप देखिए करके दूसरे राइड में जाते हैं। भाई लोग देखिए यार हमारे वीडियोस को देखते हैं सच्ची। ये लोग भाई बोल रहे हैं क्या जानते हैं मेरे बारे में बताइए सबसे पहले। आपको जानते हैं गुलशन ब्लॉगर है, गुलशन ब्लॉग के इधर से पाका का बनाता है, वो मेरा भाई लगता है। अच्छा अच्छा, तो हमारा वीडियोस देखे हैं? हाँ बहुत देखते हैं। चलिए आज तेज वाटर पार्क में आके कैसा लग रहा है? ये वीडियो हम लोग का आना चाहिए, जरूर आएगा, यूट्यूब पे आएगा। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है, लोकल में पैसा वसूल है। तो पटना और रांची जाना छोड़िए और आइए तेज वाटर पार्क। तो दोस्तों देख पा रहे किस तरीके से जितने भी लोग तेज वाटर पार्क कर रहे हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब इस राइड में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या वाइब रहता है। डूबे कि नहीं भैया? भैया अपना आईफोन को पूरा डुबा रहे हैं। वाह 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 वाह, सही है सही है, मजे कीजिए। सब हम लोग इस वाले राइडर में जा रहे हैं और देखते हैं क्या मजा आने वाला है कि नहीं। हमारे साथ तो रामानंद है और ये कहा कि चलो इसमें भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर से सीन है। ये छोटे बच्चों वाला है, इसमें कौन जाएगा भाई? ये वाला देखिए, इसमें आपको रेन डांस सीखने वाला है। और आज का जो ब्लॉग है मोबाइल पे रखते हुए बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर से कुछ ऐसा सीन होने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके से ड्रीम ऑफ तेज वाटर पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग इस टनल वाले से जाने वाले हैं और देखते हैं। भाई चश्मा तो खो ही जाता है। चलिए रामानंद तैयार? तो तैयार है हम लोग। पहले रामानंद जाएगा, तुम मरेगा तो हम मरेंगे ना। पहले खतरनाक तो ये वाला है भाई, 360 होके जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यार इसमें भी जाएंगे और बताते हैं आपको 360 का क्या एक्सपीरियंस रहता है। भीड़ आज बहुत ही है गाइस, अगर आप वीकेंड्स में आते हैं सैटरडे संडे तो देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हो भाई। अभी आप लोग कितना भीड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है तेज ऑफ ड्रीम वाटर पार्क सुल्तानगंज में। तो गाइस ये टनल वाला बहुत ही खतरनाक है गाइस। ओ भाई डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही सिंपल था, मजा आया। एक और बार। तो गाइस अभी वेव शुरू होने वाला है और आप देख सकते हैं सभी लोग वेव में आ चुके हैं। तो हम लोग भी काहे पीछे रहे, हम लोग भी आ गए वेव में। और अभी वेव जब चलेगा तो बहुत ही ज्यादा फन, और जितने भी लोग आए हुए हैं तीज वाटर पार्क में सभी लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो यार हम लोग भी आ गए फाइनली देखने के लिए। अब देखते हैं कब वेव स्टार्ट होता है और मजा आता है। तो अभी वेव शुरू होने वाला है, वेव से ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हम पता है तो जाते हैं वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पर सीन होने वाला है, बहुत सारे लोग आए हुए। और वेव जो होता है वो वाटर पार्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मस्ती भरा जो राइड होता है वो होने वाला है। तो अभी वेव बस स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए अब आपको वेव का मजा गाने से दिलाते हैं। वो जितना ज्यादा क्लोज जाएगा वेव के वो ज्यादा प्रेशर हैंडल करेगा और उसको वो ज्यादा वेव मिलने वाला है। लेकिन अभी वेव स्पीड और होने वाला है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप लोग अगर पहले वाटर पार्क आए होंगे तो वेव का ये फीलिंग जानेंगे। देख सकते हैं कैसा ये आपको वेव देखने को मिल रहा है। We'll be right back.
स्लाइडर में, तो हम लोग ये ले चुके हैं, चले गए जब इसमें जाते हैं और खूब इंजॉय करने वाले, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं, मामी जा रहे हैं, सुहानी जा रहे हैं, पापा भी ले रहे हैं, तो सभी को साथ में जाएंगे, एक साथ तीन राइड करने वाले कैसा लग रहा है भैया? मजा आ रहा है कि नहीं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? पैसा वसूल है? क्या कहना चाहेंगे लोगों को, यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे तेज वाटर पार्क के बारे में? एक नंबर वाटर पार्क है। मजा आया कि नहीं? कहाँ से है? अरे भैया भागलपुर से, हाथ मिलाइए भैया एकदम। देखिए यहाँ पर पूरे जोर शोर से बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं एकदम, देखिए क्या लपालप भरा हुआ है। ओके ऑल राइट यार, तो अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं फाइनली। तो फाइनली जो एक्चुअल लास्ट रिव्यू था वो और कुछ चीज़ें थी वहाँ के बारे में, वो मैंने वीडियो में शूट करना नहीं किया क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन पूरा लिक्विड डिस्पेंस हो गया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, और एक्चुअल रिव्यू जो है घर में आकर आराम से पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मिस हो गया था, ये कि आपको यहाँ पर नहाने की जो सुविधा है उसके बाद वहाँ पर आपको कैंटीन और रेस्टोरेंट दोनों चीज़ों की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। आपको वहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाएगा, रेट्स जो है वो ठीक ही है, अफोर्डेबल भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा महंगा है, और स्नैक्स कैंटीन्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो आप वो चीज़ का भी वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। अब फाइनली रिव्यू की बात करें कि कैसा है वाटर पार्क, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्राइस यहाँ पर 500 रुपये इसका पर पर्सन का प्राइस है, तो उस अकॉर्डिंग में ठीक है, लोकल में इस रेंज में कहीं पर भी नहीं है। आप चाहे भागलपुर से हैं, चाहे गोड्डा से हैं, चाहे साहिबगंज से हैं, चाहे देवघर से हैं, चाहे दुमका से हैं, तो इस रेंज में हमें वाटर पार्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर है भी तो है वो रांची में है, तो पटना में है, तो लोकल में इकलौता वाटर पार्क है, तो जाया जा सकता है लोकल में, तो अच्छा है एक तरीके से। राइड्स भी अच्छे हैं, खासे हैं, पानी वगैरह भी बहुत है, और बस थोड़ा सा जो है ना स्टार्टिंग में आपको क्या बोलते हैं ड्रेस लेने में थोड़ा सा लगेगा कि अनमैनेजमेंट टाइप सा है, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी की कमी रहती है, वापस से जब आप वाटर पार्क से नहा के आएंगे तो वो चीज़ का कमी है, तो थोड़ा सा एक दो चीज़ यहाँ पर पीछे लैग करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप लोग जाते हैं लोकल में एक बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए है, तो यार आप लोग भी जा सकते हैं ट्राई करने में, क्या जाता है एक बार तो जाके देख ही सकते हैं कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से आपको 10 रुपये अगर टोटो में बैठोगे तो 10 रुपये में आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से पहुँचा दिया जाएगा तेज वाटर पार्क। तो यार बस आज वीडियो में इतना ही कि हम लोगों ने आपको बताया तेज वाटर पार्क जो सुल्तानगंज में नया खुला है वो कैसा है, और हम लोगों ने आपको पूरा दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके और भी अलग अलग अपडेट्स और अलग अलग जगहों को देखने के लिए। थैंक यू।